हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। इनका दावा है कि इन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है। राजेंद्र जी, आपको जान, आपका दावा है कि आपको जान से मारने की धमकी दी। सब वीडियो सबने सुनी है, जिस वीडियो में तीन तीन साधु वो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इनकी गर्दन काट के लाओ, इनकी जीभ काट के लाओ। और उस धमकी के बाद मैंने राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखी, गृहमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, उपराज्यपाल जी को भी चिट्ठी लिखी, डीसीपी जी को रिसीव करवाया, एसएचओ को रिसीव कराया, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, सारे जो जो अथॉरिटीज थी सब जगह मैंने चिट्ठी लिखी। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक मेरी उस कंप्लेंट के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसकी वीडियो है, उसका लिंक है, सब लोगों ने सुना है। तो मैं एक वकील होने के नाते मैं जानता हूं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वर्डिक्ट आए हुए तो अभी मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। उसके उसमें खुद कहा है कि पुलिस को खुद मुकदमा दर्ज करना होगा और मैंने तो कंप्लेंट दी है, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो फिर कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगी और उनके खिलाफ सू मोटो, उनके खिलाफ सोकोज नोटिस इशू करेगी कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आपने बोला है कि अगले 5 से 6 साल में भारत जो है वो हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं जानता था आप केवल यही सवाल के आए, आप इस कार्यक्रम को कवर करने नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं, वो लोग हिंदू धर्म के दुश्मन हैं जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों की रोज हत्याएं कर रहे हैं। कल नल छूलने पर हत्या कर दी, कल पिछले दिनों मूछ रखने पर हत्या कर दी, कभी घड़ा छूने पर हत्या कर दी। इसका मतलब क्या है कि अगले 5 से 6 साल में भारत जो है वो हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक, भारत के लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षित होंगे, या तो भारत के लोग खासतौर पे जो सारे संसाधनों पे काबिज हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे काबिज हैं, वो लोग भारत से जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सामने आए। भारत के न्यायालय, भारत की सरकारें, राज्य सरकारें, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग या तो भारत से जातिवाद को खत्म करने के लिए सामने आए। अगर वो जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे तो हमारे लोग अब जाति की वजह से अपनी ओर जान गंवाने के लिए तैयार नहीं है। आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, आपने भी मंच से बोला कि आप मंत्री पद पे रहते हुए वो काम नहीं कर पा रहे थे अपने समाज के लोगों के लिए। देखिए, मंत्री के पद पे रह के आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, तो आपको विभागों के सारे काम भी कर रहे हैं, आपको वो दायित्व निभाना है, तो पूरे देश में जाके जितना टाइम देने की जरूरत होती है वो टाइम आप नहीं दे पाते। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई दबाव था? नहीं, मुझे किसी का कोई दबाव नहीं है। हाँ, मेरे समाज का दबाव जरूर है कि मेरे समाज पर रोज जनजाति हो रही है, इसमें मुझे क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिजाइन करके अपनी भूमिका निभाने के लिए आ रहा हूँ। आखिरी सवाल की, ईडब्ल्यूएस कोटा पर भी आपने बोला कि वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो गलत है, उसमें आप मैं पूछना चाहता हूँ, उस कोटे में जिनका टोटल जनसंख्या 12% है उनको आपने 10% दे दिया और बाकी का जो 40% और जो ओपन कैटेगरी वो भी उनको दे दिया, तो उनको तो आपने 50% दे दिया। उसमें अगर 8 लाख की सीमा है तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो SC ST में अप्लाई नहीं करना चाहते उनको क्यों बैन लगाया कि वो अप्लाई इसमें क्यों नहीं कर सकते। एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने जब ईडब्ल्यूएस कोटा को बरकरार रखा है, तो न्यायालय के अंदर भी तो गलत निर्णय होते हैं। दो ने ये भी तो कहा है कि उनको बाहर नहीं रखना चाहिए था, तो क्या देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? दो दो जो सीनियर मोस्ट जज है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दूसरे जस्टिस रविंद्र भट्ट है, उन दोनों की जो जजमेंट है, उनके तीन जजों ने तो तीन जजों ने कहा। देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि जो जजमेंट होते हैं कभी भी कभी तो 13 जज की जजमेंट आई है बेंच की, 13 में से 6 एक बात कह रहे हैं, 7 एक कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, 7 का बहुमत से फैसला जरूर है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो 6 ने जजमेंट दिया वो गलत है। 6 के अपने तर्क है, 7 के अपने तर्क है। मेरा ये मानना है कि अगर संविधान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो कानूनी दृष्टि से ये गलत है। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी ईडब्ल्यूएस में अगर वो SC ST से बेनिफिट नहीं लेना चाहते, वो गरीबी की रेखा के तहत आके अप्लाई करना चाहते, तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। से बात करने के लिए तो ये हैं दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जिस तरीके का फैसला दिया ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखने के लिए, उसको गलत मानते हैं। तो एक तरफ राजेंद्र पाल गौतम जो है वो देश के संविधान की बात करते हैं, देश के बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ उसी संविधान के अंदर जो सर्वोच्च अदालत ने जिस फैसले को बरकरार रखा है उस फैसले को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। सहयोगी निखिल रस्तोगी के साथ अहमद बिलाल, ABP News, दिल्ली।